review of course and the judgment as well. Please tell them on the case and share your opinion with the campaign. Thank you very much for inviting me because this is a pressing issue. It affects individuals, families and communities. I would say कि it destroys the fabric of our society. Drug abuse इतना बड़ा मसला है और डॉक्टर मेहरा ने अभी इतना boring subject इतने मजे से समझाया था, हम सब बड़ा interest ले रहे थे. इसमें दो चीज़ें और obviously आप लोग doctors बनने जा रहे हैं तो आप सबको मुझसे बेहतर पता है कि health पे इसके क्या aspects होते हैं. एक longer run में अगर substance abuse हो तो आपके organ fail हो जाते हैं, साथ साथ मेंटल और फिजिकल दोनों की वेलबींग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो बड़ी खतरनाक चीज़ है और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी की बात जो है मेरी नज़र में वो जो एज ब्रैकेट है 18 से 25 साल के लड़के लड़कियां इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस आपको हम सबको होती है. एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ की कि एक ट्राई करने से क्या होता है, एक बार इस्तेमाल करने से क्या होता है, एडिक्शन इसी से बनती है और बढ़ती है. तो इसका बहुत ख्याल रखना है. दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, जो हम यहाँ ये कर रहे हैं दिस अ बिगनिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इट्स अ बैटल बट इट्स अ फाइट वर्थ फाइटिंग फॉर. सो हम आप मेरे साथ हैं, हम सब साथ हैं इसमें. हमने ये कोशिश करनी है कि ये जो ड्रग की लत नहीं लानत है इससे हमें छुटकारा पाना है. ठीक है, तो आज यहाँ आपके सामने स्टेज पे जो क्रिकेटर मौजूद हैं उनके लिए मैं नहीं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड से द बेस्ट पावर हिटर इन पाकिस्तान. और अगर अच्छा और अगर मैं आने वाले प्रोग्राम में कभी इन पे क्रिटिसाइज करूं तो ये फुटेज इनको दे दें. तो आजम के साथ भी बड़ी स्ट्रगल रही है क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे यूथ की, यंगस्टर्स की. तो मेंटल टफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस जिस ड्रग अब्यूज की हम बात कर रहे हैं इससे बचने के लिए भी मेंटल टफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस गाय इज वेरी मेंटली टफ. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ये लगता है कि इनके फादर क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर थे तो इनके लिए इजी हो गया. सारी दुनिया में लीग्स खेलते हैं ये, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं. तो जब दुनिया बुला रही है तो ऑब्वियसली टैलेंट है. ठीक है, तो इनसे ये बात करते हैं कि इनके लिए इनकी स्ट्रगल क्या है और क्योंकि ये उस एज ब्रैकेट में है जहां अर्ली फेम एंड फॉर्चून आ जाए तो फिर उसके साथ फिर ड्रग्स खुद ही आ जाती है साथ साथ, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं. तो आजम की तरफ चलता हूं और फिर आपके सवाल भी होंगे. चाहूंगा आपसे कि एज ए यंगस्टर यहाँ इन बच्चों में आके और ये जो वेलकम आपने देखा है, उससे पहले ऐसा लग रहा था मैं किसी स्कूल की क्लास में हूँ, अब लग रहा है किसी कॉन्सर्ट में हूँ. तो मुझे ये बताइए ये कैसा लग रहा है? पहले तो आई थिंक ये सारे मुझसे बड़े ही लग रहे हैं यहाँ से जितने भी और है नहीं माशाल्लाह. ठीक है, यू नो कि मैंने आज तक आपको पता है स्कूल कम्प्लीट किया, सो दिस वॉज रियली मिसिंग इन माई लाइफ के मैं यहाँ सारे कॉलेज स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ. वो आर सो जेंट टुगेदर माशाल्लाह. सो आई थिंक दैट्स द बॉन्ड ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ. सो आई थिंक इंशाल्लाह इतने बड़े बड़े डॉक्टर निकलेंगे पाकिस्तान के लिए जो हमारी कंट्री को आगे इंशाल्लाह सर्व करेंगे. अच्छा, ये एक्टिविटी जो यहाँ हो रही है इस वक्त ये बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है ड्रग अब्यूज का, सब्सटेंस अब्यूज का, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इस तरह की चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है? आई थिंक इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट टू गेट दैट अवेयरनेस इन लाइफ क्योंकि मतलब मेरी जिंदगी जिस तरह आपको पता है मैं सर्कल में पढ़ा हुआ हूँ वहाँ पे इट्स क्वाइट कॉमन ये चीज़ें सारी. तो मैं माशाल्लाह से मेरी अपब्रिंगिंग मेरे वाले साहब ने ठीक ठाक की है कि मुझे आज तक वो चीज़ कभी फैसिनेट नहीं है. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट. जो आपका राइट माइंड होगा, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन की तरफ आप जाएंगे तो आई थिंक देयर इज नो थिंग एज एडिक्शन. बिल्कुल, आई वुड अग्री विद दिस. और ये जो बात अभी आजम कर रहे हैं कि सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं तालीम और तरबियत, और मुझे ऐसा लगता है तरबियत और तालीम बोलना चाहिए क्योंकि स्कूल कॉलेज आप बाद में जाते हैं, आपकी जो घर की तरबियत है वो बहुत मैटर करती है. तो जो इन्होंने कहा कि इनके फादर
टॉप लेवल स्पोर्ट्समैन, उनसे भी इन्होंने बहुत कुछ घर में ही सीखा और उनकी एक डिसिप्लिन लाइफ है जो आजम को जिसका फायदा हो रहा है। तो आजम मुझे बताइए, बाद में जाके एक यंग एज में अकेले बाहर जाना, लीग्स खेलना, ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है? घर में तो ऑब्वियसली ज्यादातर के पेरेंट्स इन सब चीजों से मना करते हैं, समझाते हैं, डिसिप्लिन लाइफ होती है, बाहर जाके इतनी यंग एज में जब छूट मिलती है तो चीजें हाथ से निकल रही होती हैं, आपको लगता है कि मतलब आप कंट्रोल में नहीं रहती चीजें, तो ऐसा होता है कभी? देखिए ऐसा होता है, आपको पता है बचपन से जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मेरे वालिद साहब को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था पहले मेरे ऊपर, तो पाकिस्तानी रहा तो हुआ ये, मेरे ताया जो नदीम खान था उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा, ही सपोर्टेड मी एंड ही टॉक टू माय फादर दैट ही शुड आस्क हिम टू परस्यू क्रिकेट। तो मैं जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो आई थिंक माशाल्लाह से मेरे लिए अल्लाह ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा उसने कि मतलब जितने स्टीरियोटाइप्स थे उसको ब्रेक करके अल्हम्दुलिल्लाह प्लेड फॉर पाकिस्तान एंड बाकी लाइफ चल रही है। और बाकी जितना ट्रैवल का मजा आई थिंक, क्योंकि ट्रैवलिंग से ये होता है कि आपको नई नई जगहों का एक्सपीरियंस होता है, नए नए कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, तो आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग। और कोशिश ये होगी कि इन सारे जो भी फॉरेन टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करूँ और उनके कल्चर को जाए। अच्छा, ये ड्यूस का जो मामला है वो व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज तो इतना एक्सेसिबल नहीं था, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन आप लोगों के वक्त में जरा ज्यादा हो गया है। अब जो है मैं देखता हूँ कि एक्सेसिबल बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए, उनको इजीली मिल जाता है। तो क्या आजम तुमने भी कभी ये फेस किया अपने स्कूल टाइम में कि वहाँ पे इस तरह का कोई अप्रोच करना है या इजीली अवेलेबल है चीजें, और फिर एक्सपेरिमेंट का टाइम होता है बचपन में तो आपको लगता है कि कर सकते हैं? आई थिंक मेरी स्कूल लाइफ में यही था कि जब आप पता है नए नए बच्चे इंफ्लुएंस होना स्टार्ट होते हैं 15-16 साल की उम्र में, तो मुझे याद है आई यूज़ टू गेट बोरिड बिकॉज़ मैं ये चीजें नहीं करता था ना, मुझे शौक था घूमने का, तो उस वजह से मुझे साइडलाइन भी किया गया स्कूल में, बट इन दी एंड आई न्यू माय डायरेक्शन कि मुझे किस तरह जाना है। तो मुझे ये भी याद है कि स्कूल में लोग मुझ पर हंसते थे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर तुम पढ़ोगे नहीं, मतलब मेरे टीचर ने मुझे ये बोला था तो भाई सुन लो ऐसा कुछ भी नहीं होता जिंदगी में, जो करना चाहोगे वो होगा, और अगर वो माइंडसेट है और वो जज्बा वो पैशन है दिल में तो इंशाल्लाह कोई भी चीज आपको दुनिया में नहीं रोक सकती। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप सब आजम की तरह बड़ी बड़ी हिट्स नहीं मार सकते, पढ़ाई पे फोकस करें। अच्छा, क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा नाम सीनियर जर्नलिस्ट इरशाद महमूद साहब हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी स्टेज पर आ जाएं प्लीज। डिस्कशन को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें और हमारा मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस वक्त ये जो एक्टिविटी यहाँ चल रही है, ये जो पूरी कैंपेन है, ये फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज इतना बड़ा एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं इससे कितना फायदा होगा और ये कितना इम्पोर्टेंट है? जी थैंक यू जी। जी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिस ज़माने में हम लोग स्कूल कॉलेज में थे उस ज़माने में ये इशू ज़्यादा नहीं था और हो सकता है हो भी लेकिन इतना प्रोजेक्टेड नहीं था। अब ज़्यादा केसेस सामने आते हैं जिसकी वजह से अफसोस भी बहुत होता है, लेकिन साथ साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि अवेयरनेस भी है और अवेयरनेस की काफ़ी कैंपेन्स होती हैं और उसकी वजह से मेरे ख्याल है जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह हैं और जनरली जो लोग हैं उनमें ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन आई थिंक वंस अगेन जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें आई वुड से 9 out of 10 जो चीज़ें हैं वो घर की तरबियत से मैटर करती हैं, तो घर की जो तरबियत है वो यकीनन ऐसी होनी चाहिए और अक्सर ज़ाहिर माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसी हो कि किसी बेरारवी में स्टूडेंट्स ना पढ़ सकें और अपने जो फोकस गोल हैं उसी में कायम रहें। तो मैं बहरहाल इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगा इस कैंपेन को जो जनरल सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आज यहाँ पे की है और
खासतौर पर मुझे यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने बताया, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, कि जो कैंपेन्स में इनको इन्होंने पोस्टर्स अपने जहन में रखे थे कि जो आएंगे उससे कहीं ज़्यादा आए हैं पोस्टर्स, और बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्टर्स आए हैं, और बहुत ही जिसमें बड़ी इंटेलिजेंटली स्टूडेंट्स ने कन्वे किया है इस चीज़ को कि ड्रग अब्यूज शुड बी शन्ड, इट शुड बी डिनाउंस्ड। बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे डॉक्टर हुमैरा की जो प्रेजेंटेशन थी उससे मेरे जहन में आई, वो ये कि ये मत समझिएगा कि वेप अवेलेबल है और इजीली मिलता है तो उसका नुकसान नहीं है, कुछ तो इसके पीछे रिसर्च होगी। तो आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाइए तो 20 साल पहले चले जाइए तो ऑफिस में सिगरेट भी चलती थी, प्लेन में स्मोकिंग एरिया भी होते थे। आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया जाता है कि ये कितनी नुकसानदेह है, सेकेंड हैंड स्मोक कितनी नुकसानदेह है। उसके बाद तो जब तक आप इस्तेमाल करते रहें और फिर आपको पता चले कि उसके नुकसान क्या हैं तो बहुत लेट हो जाएगा। और डॉक्टर मेरा ये कह रही थी कैंपस स्मोकिंग फ्री है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है बाहर जाके सब पीते होंगे, तो इस कैंपस में नहीं पीते, ये अच्छी बात है। लेकिन इन चीज़ों से बचना, रिक्रिएशनल ड्रग्स जो है उसका भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि उस इट्स अ गेटवे ड्रग। ये जो आप वीड और ये डोप और ये सारी चीज़ें जो लोग करते हैं, ये जाती टूवर्ड्स, इसका अंजाम अच्छा नहीं है, ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। तो आज़म, तुम्हारी तरफ फिर से आता हूँ। पढ़ा तुमने कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए, वहाँ तो ये सब बहुत चलता है, तो वो तो इसको ऐसे ही लेते हैं ना कि रिक्रिएशन ड्रग है। और अब तो अमेरिका में भी वीड लीगल हो गई और बड़ी आराम से मिलती है, लेकिन डोजेज का अभी कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो THC आपको, और ब्लैक मार्केट भी बहुत मिलती है, तो वो आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी, आपकी सेहत के लिए कितनी ख़राब है। तो इन चीज़ों को व्हेन यू ट्रैवल, तो इनको किस तरह से अपना फोकस गेम पे रखना और इन चीज़ों से बचना, ये कैसे करते हो? आई थिंक फोकस यही होना चाहिए कि जिस मकसद के लिए आप वहाँ पे गए हैं वो मकसद आपके दिमाग में होना चाहिए, तो उसके अलावा फिर कोई चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती। क्योंकि मैं जब करेबियन वगैरह खेलने गया हूँ तो वो लोग तो जो पेडलर्स वगैरह होते हैं वो तो बाहर रोड पे घूम रहे होते हैं, एंड देर लाइक कि आपको क्या चाहिए ये वो सब। मैं ड्रग्स के नाम नहीं लूँगा तो उसके इन्फ्लुएंस ना हो लोग तो, लेकिन यही है कि अजीब लगता है, काफ़ी वियर्ड फीलिंग है, क्योंकि उनकी हालत देख के लगता है कि बहुत ही बड़े मतलब बहुत ही एडिक्टेड है। मेरे पास इससे बेहतर वर्ड था लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। लेकिन काफ़ी अजीब लगता है, उनके बाल बाल देख के तो वैसे ही इंसान को खौफ आ जाए, लेकिन इन दी एंड उनको थोड़ा धकेल देते हैं, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि इनके पास ऐसे वेपन्स भी होते हैं तो दे कैन अटैक यू एज़ वेल, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद दैट। मतलब अगर वो $10-20 मांग रहे हो तो आप उनको दे दें और अपनी जान बचाएं। सो आई थिंक यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, और आई थिंक जब आप ड्रग्स वगैरह नहीं लेते तो आप ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है हमेशा बाहर के, मैं जब भी ट्रैवल करूँ तो आई स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। सोचने समझने में बड़ी क्लैरिटी आ जाती है जब आप खुद ड्रग्स ना कर पाए। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने भी दुनिया में स्पोर्ट्स कवर करने के लिए बड़ा ट्रैवल किया है, बड़ी दुनिया देखी है, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स जो हैं वो भी आपने देखे होंगे। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं, अपनी इंजरीज से तंग आके रिलैक्सेशन के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कितना बुरा असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल नजीब, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत से ऐसे बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स थे जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं, जिनके बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरिंग करियर्स और बहुत ही सक्सेसफुल करियर्स अचानक ख़त्म हो गए ड्रग्स की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो बहुत ही हार्मफुल है। लेकिन मैं एक लाइट वे में आपको बताऊं कि जिस वक्त शोएब अख्तर साहब को अदालत में पेश किया गया एक मुकदमे के सिलसिले में, और वो मुकदमा ऐसा था कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ऑप्ट आउट किया था, उन पर एक ड्रग का इल्ज़ाम लगा था, तो उन्होंने कहा कि मैं हरगिज़ ये ड्रग नहीं लेता। तो नौ ड्रग्स के जो उन्होंने नाम बताए तो उन्होंने कहा कि डेविड बेकहम बेहोश हो गया था लंदन में, बिकॉज उन्होंने कहा कि ये ड्रग्स जो है ये खा के कोई आदमी सीधा चल कैसे सकता है। तो शोएब अख्तर साहब जो है बोस्ट कर रहे हैं, एनीवे ये तो लाइट वे में था, लेकिन ये हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अगर स्पोर्ट्स पर्सन है या उसकी बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ है तो उसको कोई ऐसी चीज़ असर ना करे।
बिल्कुल चंद महीनों के अंदर आपको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं ड्रग्स जो हैं या स्टेरॉइड जो हैं इस तरह के, तो मैं स्ट्रॉन्गली ये कहूँगा कि इससे रेफ्रेन करें और फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हिस्सा लें, क्योंकि ये चीज़ जो है एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके आती है। और मेरा ख्याल है आजकल के स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसको प्रोपगेट करना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी जितने ज़्यादा आप स्पोर्ट्स खेल सकें, बाहर जितने ज़्यादा आप स्पोर्ट्स खेल सकें जाके इनरोल करें क्लब्स में, अपने आप को वहाँ खेलें, तो इन नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपका माइंड नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है आज़म, तुम्हारे साथ तो एक ऐसा ये भी लगता है मुझे कि इस तरह से भी लोग अप्रोच करते होंगे कि वेट को लेके बड़ी बातें होती हैं, तो क्या वेट लॉस के लिए ये ड्रग ले लो, ये ले लो, अगर थोड़ा सा ये स्मोक कर लोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारा वेट बहुत तेजी से गिरेगा, इस तरह का आई एम श्योर ये लोग तुमसे कहते होंगे। बिल्कुल कहते हैं और मैं मना कर देता हूँ। लेकिन नहीं, आपको पता है कि वेट लॉस के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स भी आ गए, आई थिंक जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स भी लेते हैं, सो जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बनती है, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है मेडिकल का, ओजेम्पिक नाम है उसका, ओजेम्पिक नाम है उसका बिल्कुल। तो मुझे एक डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, बट आई डोंट फील लाइक टेकिंग इट बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी चीटिंग इन माय करियर। सो आई थिंक जितना इंसान को हाँ, मैं कभी कभार अच्छी बातें भी करता हूँ, लेकिन बिल्कुल यही आई थिंक दैट वुड बी चीटिंग टू माय करियर। आई थिंक इंसान जितना नेचुरली, मैं आपको एक बात ये बता दे रूँ कि मैं जब बीमार भी पड़ता हूँ तो मैं दवाइयाँ नहीं लेता, सही है, सॉरी गाइस, मुझे पता है आप लोगों का करियर है, लेकिन मैं बिल्कुल दवाइयों से परहेज करता हूँ, आई डोंट इवन टेक मसल रिलैक्सेशन। तो वो जो नेचुरल एक पावर होती है, जो इंस्टिंक्ट होती है इंसान की, आई थिंक उसको उसी पे रहना चाहिए, और जितना आप मेंटली टफ रहेंगे उतना आपके लिए फायदा आगे जिंदगी में। सही है, फार्मेसी के भी स्टूडेंट्स थे वो तो बड़ा अफसोस उन्हें हुआ होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर देंगे, आप खड़े होइए, अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए, ओके। तो माइक, मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी हमने देखा कि बहुत सारे, हमें पता भी है कि एथलीट्स जो है बहुत ऐसे स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करते हैं, और दूसरी डिफरेंट कम्युनिटीज में मतलब काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन इन चीज़ों का यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए भी और बहुत सारी अपनी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, तो क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन, क्योंकि आप आसपास रहते हैं, तो क्या ये चीज़ इतनी कॉमन है पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन के अंदर या नहीं? अच्छा आज़म, मैं आपसे रिपीट कर दें। हाँ, मैं समझ गया, नहीं आई थिंक पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो हम लोग जितने भी सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, we don't take any substance which is banned because it's been approved by World Anti-Doping Association. जो उनके अप्रूव प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं, और उसकी हर साल एक नई लिस्ट निकलती है, तो उसकी जब लिस्ट निकलती है तो इट्स मैंडेटरी फॉर अस कि हम उसको रीड करें, और उसमें जो भी ड्रग्स या केमिकल्स जो है विच आर नॉट अलाउड इन स्पोर्ट्स, हम उसी चीज़ का इस्तेमाल करें। सो आई थिंक क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, आई थिंक पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा अब्यूज नहीं किसी ड्रग के ऊपर। आपकी भी फैंस आपको छक्का चौके मारते हुए देखते हैं, और जब आप 90s में आउट हो जाते हैं तब सो समय भी होता है, एक दफा आउट हुआ हूं। आपकी गिटार वाली वीडियोस भी देखते हैं, बट सर एक बहुत बहुत दिल से रिक्वेस्ट है सर, आपकी वीडियो थी ना आपकी गिटार वाली मोहम्मद हसनैन के साथ, आपकी बिग फैन है, इनका नाम मुझे पता नहीं है, इकरा ख्वाजा इनका नाम है, तो ठीक है। वालेकुम सलाम, एक मेरा नाम रिहाब है, मैंने पूछना था सर आपसे कि इस बार आपने PSL में जो 97 की नॉक खेली थी वो भी अपने फादर की टीम के अगेंस्ट, तो आपको कैसा फील हुआ और आपके पापा ने क्या? चांद बताना फोन नहीं यार, काफी मजा आया था, और हमारा एक मैच हुआ था क्वेटा में जिसमें मैं पेशावर जलमी की तरफ से खेला था, विच वाज एन एग्जीबिशन मैच जहां इफ्तिखार ने 6 छक्के मारे थे, तो उस मैच में हम लोग खेले थे, मैं जल्दी आउट हो गया था,
तो मेरे वाले साहब आए, भाई हमने तुम पे सही प्लानिंग की है। मैंने कहा हाँ हाँ, अभी मेन मैच बाकी है, आप इंशाल्लाह वहाँ देखेंगे मुझे। तो मेन मैच में जब आए तो बस वो यूं बैठे हुए थे और वो श्रीगम चबा रहे थे। तो लेकिन मजा आता है क्योंकि आपको पता है फैमिली में जब दो क्रिकेटर्स हों और नोकझोंक होती रहती है, क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन होती रहती है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी डिबेट। क्योंकि दो क्योंकि उन्होंने जिस जनरेशन में खेला है दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, और मैं जिस जनरेशन में खेल रहा हूँ इक्विपमेंट चेंज हो गया, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, रूल्स चेंज हो गए, तो आई थिंक आजकल के क्रिकेटर को ज़्यादा फायदा है इस चीज़ से। और ये सवाल मेरा ख्याल है मोइन भाई से ज़्यादा बेहतर बनता था कि मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी, अपनी टीम के हारने का भी अफसोस और बेटे का अच्छा परफॉर्म करने का अफसोस, अपनी टीम के हारने का अफसोस और बेटे के परफॉर्म खुशी, मिक्स फीलिंग। अब किसकी तरफ जाए? I'm Dr. Maryam. I'm currently working as assistant professor in the university. I have a question that there are a lot of students over here, and sometimes at time of examination, at time of stress, they think in recommend for the energy drink. Energy drink? Yes. What's your recommendations for them? Because I think it's highly addictive. It has caffeine in it, and I don't even take protein shakes in my diet. वैसे तो मैं डाइट करता नहीं हूँ, लेकिन लेकिन आई कैन सजेस्ट देम कि भाई हाँ कोई ऐसे काम नहीं करना कि जिससे पढ़ाई इफेक्ट हो, लेकिन हाँ मैं कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी इज हाईली एडिक्टिव, इट हैज कैफीन। ओ हाँ सॉरी, आप कॉफ़ी तो बर्गर पीते हैं, वेरी आई एम जोकिंग, नो ऑफेंस, बट चाय आप लोग पिए, और आई थिंक पाकिस्तान में जितना चाय का कल्चर स्टार्ट हो गया है ढाबों वाबों पर, तो आई थिंक, लेकिन ढाबे पे बैठने नहीं लगता ना क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, तो आई थिंक घर पे चाय पिए और घर पे ही चाय बनाया गया। थैंक यू आजम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। I would like to invite our Honorable VC Sahab to the stage to say a few words. उसके बाद हम prize distribution ceremony करेंगे। Faculty and students, Assalamu Alaikum. आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ grunts बढ़ रही हैं क्या? इतनी रश तो lecture में नहीं होती तुम लोगों की। Anyhow. It's a very nice thing to see के Department of Communication और ने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, एक तो ये आइस और ये जो एडिक्टिव जो नशे वाली दवाइयाँ और ड्रग्स हैं, वो आप ड्रग्स सिर्फ उनको ना समझें। आप लोग जो रात को पढ़ने के चक्कर में रिटैलिन की गोलियाँ खा रहे होते हैं कि मैं जाग के पढ़ लूँ, और मतलब इस तरह की इंडल्जेंस भी एक एडिक्शन बन जाती है, और देन एक नई मैंने कल जो कि मेलाटोनिन कोई एक नई चीज़ निकली है, वो भी लोग लेना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखें, स्पोर्ट्स तो जो लोग खेलते हैं वो आपको बताया कि बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में इतना नहीं है ये, ठीक है ना, लेकिन आप खुद देखें, अपने आप को देखें, हाउ मैनी ऑफ यू, अ लॉट ऑफ यू आई नो आर going to your gyms, which is a very good thing. लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि देखो, सारे जिम क्वालिटी जिम्स नहीं हैं। वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर जो जैसे वो ट्रेनर का लफ्ज कहा जाता है, वो जो कहता है इट्स गॉस्पल ट्रूथ फॉर यू, वो कहता है ये ड्रग लेनी है, ये वे प्रोटीन लेना है, फलाना लेना है, आप लोग उसको फॉलो करते हैं। मेरा बेटा भी जिम जाता है तो वो आके बताता है मुझे कि ट्रेनर ये कह रहा है। भाई ट्रेनर तो हर एक घर में डॉक्टर नहीं है उसको एडवाइस करने के लिए, और ख़ास करके यंग माइंड होता है, वो देखता है ट्रेनर इस तरह का बिल्टअप है, वो समझता है कि मैं भी इस तरह करूँगा तो ऐसा बन जाऊँगा, ऐसा नहीं बन जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है वो ड्रग्स की वजह से। लेकिन उससे जो नुकसान हैं वो आपके ऊपर जो हैं वो हैं, आपके वालदैन ने और पूरी फैमिली सफ़र करती है। आई ट्रीट अ लॉट ऑफ यू नो इंजरीज फ्राम ड्रग्स, जो रात को दो दो तीन तीन बजे हमें उठाते हैं हमें, और वो जो जिस तरह की हॉरिफिक इंजरीज होती हैं, खास करके ड्रंक ड्राइविंग,
और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सच्ची बताऊँ हमें तो पता भी नहीं है, क्रिस्टल और एम्फेटामाइन पता नहीं क्या क्या आ गया है मार्केट में। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो सब तभी होगा जब आपको ये मैसेज चला जाए, और मेरे ख्याल में आई एम श्योर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। इतने डिग्निटरीज आपको यहाँ पे आए हैं, आपने इतना वेल अटेंडेड प्रोग्राम है कि खड़े होने की भी अब जगह नहीं है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गेस्ट, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप यू हैव ऑनर्ड अस बाय कमिंग हियर, एंड एज आई सेड यू आर नेशनल हीरोज ऑल ऑफ यू, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या काउंसलिंग में हो या क्रिकेट में हो। सो बहरहाल मेरा कहने का ये मकसद था कि प्लीज़ अपने आप को बचा के रखें, ऐसे लोगों की कंपनी भी ख़राब होती है। हमने ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाके अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन व्हेन दे गो बैक टू द कम्युनिटी दे गो बैक टू द सेम फ्रेंड्स, और वो सेम फ्रेंड्स वही हरकतें कर रहे होंगे। तो यू हैव टू चेंज द सर्कल, ऐसी दोस्ती वो दोस्त नहीं है आपके जो आपको ड्रग्स पे लगा रहे हैं। और ख़ास करके ये एक और प्रॉब्लम है कि ये ऐसी ड्रग्स हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप इस्तेमाल करते हैं एक एडवेंचर के तौर पे कि ये दिस इज समथिंग न्यू आई मस्ट ट्राई, वो यू गेट हुक्ड ऑन टू इट। ये इतनी एडिक्टिव हैं कि पहले ही मरतबा आपको जो है वो, मुझे याद है मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज जो है अब यूनिवर्सिटी है, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो एक मैं फाइनल ईयर में था, एक इंजेक्शन होता है सॉसिगॉन पेंटाथोकॉन, उसमें दवाई होती है जो फार्मा वाले बैठे हैं, उसका 50 मिलीग्राम का वायल आया करता था। मुझे याद है हम एंडोस्कोपीज में हमारे पेशेंट्स को एक लगाते थे, सोया रहता था, हम सारी एंडोस्कोपीज करते, वो एक बंदा आया वहाँ पर, उसने एक जो रिक्लाइनिंग चेयर कमरे में रखी हुई थी उसने सॉसिगॉन का मैं पहचान गया, उसने 5 वायल तोड़े एक 10 सीसी की सिरिंज में, और यूं करके उसने लगाया। मुझे तो हैरत हो रही कि बगैर उसके उसको कैसे वेन मिलती है, हमें तो ढूंढनी पड़ती थी, उसको वेन भी बड़ी अच्छी मिलती है उनको, और फिर बस ये जस्ट ऐसे वो लेट गया, एंड उसका जो शक्ल उसकी बन गई थी, मैंने समझा ये तो गुजर जाएगा रात के बीच में, मैं तो यहाँ से निकलूँ क्योंकि ये फंसेंगे हम, जो एफ आई आर कटेगी तो ये फलाने फलाने कमरे में थे। सो ये हॉस्टल्स में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो हॉस्टलर्स हैं वो प्लीज़ थोड़ा इस बात का ख्याल रखें, और ये दिस इज़ नॉट फोकस टूवर्ड्स बॉयज़ ओनली, आजकल लड़कियां भी माशाल्लाह वो बाकायदे कदम कदम से मिला के चल रही हैं। इज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्टार्टिंग फॉर द पोस्टर कंपटीशन। आदम ये बताइए कि आप चूँकि कराची से हैं, जो खिलाड़ी कराची से नहीं हैं उनको कौमी टीम में बार बार चांस मिल रहा है, वो फ्लॉप हो रहा है फिर भी चांस मिल रहा है, लेकिन आपको 2 चांस पर फारिग कर दिया गया, ये कराची के साथ और आपके साथ जाती नहीं है। देखें एक मेडिकल कॉलेज में मैं क्रिकेट का जवाब देना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, और क्योंकि इट्स सच अ ग्रेट कॉज के वी हियर फॉर ड्रग अब्यूज़, और उसके खिलाफ हम यहाँ बात करना है, सो आई थिंक यहाँ पे क्रिकेट रिलेटेड बात होनी भी चाहिए, और मैं कोशिश भी करता हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ है, जो मेरे पर्सनल मतलब जो मैं टाइम स्पेंड करता हूँ वहाँ पर मैं बातें नहीं करना चाहता। चलो भाई जाओ सारे।